हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है रेलवे एएलपी परीक्षा के लिए जो फाइनल रिजल्ट है एएलपी और टेक्नीशियन का, वो फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब बारी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट की। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हम आपके लिए यहाँ पर, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं वो आपको पूरी तरह से मिल सके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको यहाँ पे रेलवे एएलपी परीक्षा के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों एक बार आरआरबी अहमदाबाद का जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, आप देख सकते हैं। और बात करें यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसीज अहमदाबाद में कितनी थी, तो जो टोटल वैकेंसीज थी आपके यहाँ पे 1227 थी, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए यहाँ पे डीवी के लिए वो देख सकते हैं 1270। तो जो डेढ़ गुना का क्राइटेरिया था रेलवे के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो भी यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, जो डेढ़ गुना छात्र बुलाने थे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सिर्फ 1270 छात्र बुलाए गए हैं, जो 1227 वैकेंसीज थी यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को मिलाकर। बात करते हैं दोस्तों आपके लिए एएलपी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या जरूरत है यहाँ पे। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है आपके लिए यहाँ पे द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डीबी शुड प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद टू सेट्स ऑफ जेरेक्स कॉपीज। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ दो जेरेक्स कॉपी ले जानी है। तो दोस्तों दो की बजाय आप यहाँ पे तीन ले जाओ अपनी सुविधा के अनुसार, अगर वहाँ पे और भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल स्टेज होने वाला है। अगर आपके यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत मिलेगी तो आपको यहाँ पे किसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जल्दी ही जो आपको यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट की डेट आएगी, आपको मेल के थ्रू या जो SMS है आपने नंबर रजिस्ट्रेशन करवाया होगा स्टार्टिंग में, उस पर आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अगले दिन ही आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, जो भी आपके जोन का अस्पताल होगा नियर रेलवे हॉस्पिटल, यहाँ पर लिखा है साफ साफ। और दोस्तों अगर आपका और भी कोई डाउट है रेलवे ALP के संबंधित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।